पिछले गुरुवार को मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वजह कोई खास नहीं है, कोई तनाव भी नहीं था, मन ऊब सा गया है। वही शोर, आवाजें, घर, थाना, थाना, घर, मॉर्चरी, क्रिमिनल्स, लाशें, अपने इस शर्ट पे लगे खून के धब्बे धोना। कोई शिकायत नहीं है, अब पुलिस की नौकरी की है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, पर एक अजीब सी फीलिंग है, अजीब सी, जैसे रोज नया दिन निकलता है, मैं वही हूं पुरानी, दुनिया वही है पुरानी पर चली जा रही है। मैंने सोचा जिंदगी की जो गाड़ी जा रही है आगे, मैं उसकी चेन खींचती हूं और मैं उतर जाती हूं, तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसकी 3 वजह। हमें जो पिस्तौल मिलती है उसकी हर एक गोली 45 रुपए की आती है और ये सरकारी है। मैंने सोचा साला अपने सुकून के लिए पब्लिक का पैसा क्यों वेस्ट करे। दूसरी वजह, मेरी असिस्टेंट है मुन्नी, उसके कुछ रिलेटिव्स आए थे हरियाणा से, दूसरे दिन होली थी, तो अगर मैं मर जाती तो उसकी तो होली खराब हो जाती। तीसरी वजह, जब वो पिस्तौल की ठंडी ठंडी नली मेरे माथे पे लगी तो मेरा ध्यान गया उस खिड़की की तरफ और बाहर देखा तो बहुत खूबसूरत इंद्रधनुष था। मैंने कहा यार इसको देखते मरना तो मुश्किल है, तो मैं उठी, मैं खिड़की बंद करने गई, मैंने खिड़की बंद की और फिर मैं टर्न हुई, वापस आई, तब तक वो मोमेंट निकल चुका था, वो टूट चुका था। फिर मेरा मरने का मन नहीं किया।